गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉ लॉ एंड एथिक्स अब सबसे पहले तो जब आप लोग लॉ एंड एथिक्स कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं दिस आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड कि आपका जो सेक्शन ए है उसके अंदर क्या है कि आपके ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन मार्क्स ईच ठीक है आपके ऑब्जेक्टिव है चार होंगे उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है then हमारा आता है सेक्शन बी मतलब कुछ मैच ट्रू एंड कोई वन वर्ड आंसर इस तरीके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे इसके अंदर जिसके अंदर आपके कितने हैं ट्वेंटी क्वेश्चन अगेन एंड देन आपको वो अटैम्प करना होगा सेक्शन सी में क्या है सेक्शन सी के अंदर ट्वेल्व मार्क्स के सिक्स क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एनी फोर अटेम्प्ट करने हैं एंड देन जो आपका सेक्शन डी है ठीक है इसके अंदर आपका सिर्फ एक क्वेश्चन होगा दैट इज द केस बेस्ड क्वेश्चन तो वो भी आपका ट्वेल्व मार्क्स का है तो कैसे स्टार्ट हुआ अपना अपना सिंपल सा स्टार्ट हुआ ये कि आपके ट्वेंटी मार्क्स के तो ये वन क्वेश्चन आए ये ट्वेंटी हो गए फिर ट्वेंटी के वन तो ये ट्वेंटी मार्क्स हो गया फिर ट्वेल्व मार्क्स के आपने सिक्स में से फोर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फोर्टी एट ये हो गया और फिर ट्वेल्व मार्क्स का वन है इसके अंदर फर्दर सब पार्ट्स पॉसिबल है जैसे तीन तीन या चार चार नंबर के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तो ट्वेल्व मार्क्स का ये हो गया इस हिसाब से यह आपका हंड्रेड मार्क्स का पेपर है ठीक है अब आपका जो लॉ है इसके अंदर है क्या लॉ के अंदर हम बात करते हैं जो कमर्शियल लॉ है ये आपका थर्टी मार्क्स का है, ठीक है तो थर्टी मार्क्स का हमारा मोकन यानी कि कमर्शियल लॉ वाला जो टॉपिक है फिर आपका जो sales of goods act है, है? ठीक इसके अंदर अब देखिए जो अपना commercial law है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है इसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूडेड है इसके अंदर आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंक्लूडेड है उसके फर्दर टॉपिक्स मेंशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पार्टनरशिप llp ये सब आपका इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है ठीक है फिर ये थर्टी मार्क्स का था अभी क्या हुआ ट्वेंटी फाइव मार्क्स का इंडस्ट्रियल लॉ है ये बहुत इजी है कुछ एक्ट्स है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वेरी वेरी इजी दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक वेयर यू कैन इजीली स्कोर 25 मार्क्स फिर अपना कॉर्पोरेट लॉ 35 ये भी बहुत कम है मतलब कोर्स कंटेंट बहुत कम है और आपको मार्क्स इसके अंदर बहुत सारे मिल सकते हैं तो ये थर्टी फाइव मार्क्स बहुत ही अच्छा है जिसमें आप बहुत आराम से स्कोर सक, कर सकते हो एंड देन योर एथिक्स इट इज ऑफ टेन मार्क्स दिस द बेसिक ऑफ आपका कोर्स क्या है आपके कोर्स में कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है और किस तरीके का पेपर पैटर्न जो आपका नया आया है अभी किस तरीके का पेपर पैटर्न है किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे दैट वाज़ द एक्सप्लेनेशन टू इट ठीक है अब अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ लॉ तो सबसे पहले आप लॉ पढ़ रहे हैं एथिक्स पढ़ रहे हैं लॉ में इतने सारे लॉस पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ होता क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉ क्या है लॉ एक रूल है ये रूल्स होते हैं कौन बनाता है गवर्नमेंट बनाता है क्यों बनाता है लोगों को बताने के लिए कि वो किस तरीके से बिहेव करेंगे और किस तरीके से नहीं कहां पे बिहेव करना है सोसाइटी मतलब आपके क्वेश्चन देखिए पहले तो ये क्या है वॉट ये क्या है ये एक लॉ है हु मेड इट हु में दो चीजें किसने बनाया गवर्नमेंट ने बनाया, बनाया। किसके लिए बनाया पीपल के लिए बनाया ठीक है अब है कि किस लिए बनाया वाई वाई ये आपको बताता है कि आपको कैसे बिहेव करना है वेर कहाँ पे बिहेव करना है सोसाइटी के अंदर आपको कैसे बिहेव करना है इफ नॉट यानी अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा तो आपको पनिशमेंट्स मिलेंगी अब बात है पनिशमेंट्स बनाया गवर्नमेंट ने बट पनिशमेंट्स के लिए कौन है कोर्ट्स बनाए गए हैं पुलिस होती है ये सब आपको रेगुलेट करते हैं ये आपको बोलते हैं कि भाई आपको लॉ फॉलो करना है अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो हम आपको सपोज आपके ऊपर चलान काट देंगे जेल में डाल देंगे आपकी गाड़ी जब्त कर लेंगे आपका सामान जब्त कर लेंगे तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसको बेसिकली लॉ को लागू करने के लिए ये लोग होते हैं जो कि लागू करने में सरकार को यानी गवर्नमेंट को मदद करते हैं अब लॉ होता क्या है एक एग्जाम्पल सपोज एक लॉ आया था बीच में कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन कि भाई लॉकडाउन है आप लोग कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और अगर बिना रीजन के आप लोग घर से बाहर निकले तो पुलिस क्या कर देगी पुलिस आपको जेल में डाल देगी आपका चलान काट देगी नाइट कर्फ्यू का लॉ आया था कि भाई नाइट कर्फ्यू है रात को आठ बजे से सुबह पांच बजे तक कोई घर से बिना वजह के बाहर नहीं निकलेगा ये लॉ नहीं था बेसिकली कोई एक्ट नहीं था बट गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था ठीक है तो वो रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो गवर्नमेंट क्या करती है या से सरकार के जो लोग हैं जैसे कि कोर्ट है पुलिस है ये क्या करते हैं आपको सजा देते हैं ठीक है अब बात आती है कि हमें इन लॉ की जरूरत क्यों होती है लॉज बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं जो कि आपके एक्शंस को आपके एक्शंस यानी जो चीजें आप कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं आप बाहर घूम रहे हैं आप आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं आपने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत अधिकार हैं आपके पास कि आप बोलने की आजादी कोई भी काम करने की आजादी तो ये जो आपको लॉज मिले हुए हैं जो आपको राइट्स मिले हुए हैं उसको किस तरीके से आपको लागू करना है किस तरीके से फॉलो करना है वो कोर्ट ध्यान रखती है लॉ जो होता है वो सब पे बराबर का बराबर तरीके से एप्लीकेबल होता है मतलब अगर आज मैं कोई नेता हूं या मैं कोई अंबानी हूं तो मैं नाइट कर्फ्यू में घूम लूंगी क्या नहीं लॉ सबके लिए बराबर होता है अगर कोई लॉ बनाया है तो वो सबको फॉलो करना पड़ेगा तो यानी लॉ की जरूरत क्यों थी जो इंडिविजुअल जैसे हम जैसे जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को उनके राइट्स को उनके जो फ्रीडम उनको जो आजादी मिली है आजादी जैसे कि लिबर्टी लिबर्टी क्या होता है आजादी कुछ भी करने की इक्वालिटी यानी बराबरी का दर्जा तो ये जो लॉ है ना आपके ये आपको ये सारे अधिकार प्रोवाइड कराते हैं ठीक है अगर आपके पास आजादी जो है अब आजादी है तो क्या कुछ भी करोगे पहाड़ से कूद जाओगे जब मन करेगा किसी को भी मार दोगे जब मन करेगा किसी को भी ठोक दोगे अब गाड़ी से किसी को एक्सीडेंट कर दोगे तो वो चीजें जो होती हैं अगर ये लॉ नहीं होता अगर डर नहीं होता कि अगर मैंने किसी को मारा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी अगर मैं तेज गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा चलान कट जाएगा अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो कोई भी इंसान अपने जो अधिकार है उसका गलत फायदा उठाएगा तो कोई इंसान अपने अधिकारों का गलत फायदा ना उठाए इसलिए यह लॉ बनाया गया ठीक है अब आता है हाउ लॉज आर मेड भाई कॉन्स्टिट्यूशन है constitution यानी हमारा संविधान संविधान का जो स्केड्यूल है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि लॉस कैसे बनाए हैं यानी कि ये तीन लिस्ट के बारे में बताया गया है देखिए जो लॉ होते हैं ना वो ऐसा नहीं है कि हर जगह लागू है जो लॉ है वो इन लिस्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं जैसे कि पहली लिस्ट हम बात करें ये लिस्ट है इसका नाम है यूनियन लिस्ट इसमें कौन से मैटर्स होते हैं इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के नेशनल यानी जो पूरी कंट्री के लिए जरूरी है जिसे लॉकडाउन जो लगा था वो सिर्फ राजस्थान में नहीं लगा था वो पूरे देश में लगा था तो वो नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है तो जब कोई चीज पूरे भारत के लिए होती है तो उस पर जो लॉ बनाता है वो कौन बनाता है यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंगली उस पर लॉ बनाया जाता है इसमें कौन कौन से मैटर इंक्लूड होते हैं एग्जाम्पल क्या है एक तो मैम आपने दे दिया भाई लॉकडाउन और क्या लॉकडाउन तो एक कंडीशन हो गई और कौन सी चीजें हैं जिस पर ये लॉ बनाए जाते हैं जैसे कि डिफेंस डिफेंस मतलब जो हमारी आर्मी है हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर में अगर मैं बात करू एस ये पूरे देश में है तो पूरे देश के अंदर इनकी वर्किंग क्या है कैसी रहेगी ये यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है फॉरन अफेयर्स यानी कि कितना करेंसी आएगा जाएगा भारत के अंदर कैसे होगा कौन भारत के अंदर आ सकता है वीज़ा वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो स्टेट वाइज नहीं होती है, वो पूरी कंट्री के लिए होती हैं तो उन सब के मैटर्स को यूनियन लिस्ट के अंदर डिफाइन किया गया है और उस पर जो मैटर्स पे जो लॉ बनाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है ठीक है यानी पूरे देश के लिए जो लॉ बनते हैं वो कौन बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ एक दूसरी लिस्ट आती है जिसका नाम है स्टेट लिस्ट अब स्टेट लिस्ट में क्या होते हैं वो मैटर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर स्टेट के लिए लागू किए जाते हैं जैसे कि इस पे अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं पुलिस मुंबई पुलिस राजस्थान पुलिस पंजाब पुलिस तो अगर एक पर्टिकुलर पुलिस के लिए कोई रूल्स बनाने हैं या सपोज करो कि कोई कमर्शियल बाइंग एंड सेलिंग है जैसे कि सपोज आपके यहाँ पे है जैसे अपन बात करते हैं गुजरात के अंदर गुजरात के अंदर जो है वो लिकर बैंड है बट बाकी किसी स्टेट के अंदर लिकर बैन नहीं है तो ये जो चीजें डिसाइड की जाती हैं ये पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है हमारे देश के अंदर लिकर हमारे जो स्टेट है उसके अंदर लिकर बैन नहीं है बट हमारे यहाँ पे एक रूल है कि आठ बजे के बाद कोई भी लिकर शॉप नहीं खुली रहेगी तो ये सब जो मैटर्स होते हैं ना ये स्टेट लेवल पे डिसाइड किए जाते हैं इससे पूरे भारत का पूरे देश का लेना नहीं देना कोई लेना देना नहीं है स्टेट जब अपने हिसाब से अपनी स्टेट के अंदर जो अपना स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर कुछ करना चाहते हैं देखो हर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर होता है चीफ मिनिस्टर के पास अधिकार होता है कि उसके पर्टिकुलर राज्य के लिए यानी उसके पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर उसको लगता है कि कोई चीज जरूरी है तो वो ये नियम फिक्स कर देता है जैसे अभी बात करते हैं कि कुछ कुछ जगहों पे ऐसे जिस मुंबई के अंदर राजस्थान के अंदर पंजाब के अंदर बैन लगा था कि भाई स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे शादियों में इतने ही पचास लोग ही आएंगे इससे ज्यादा नहीं आएंगे तो ये सब चीजें स्टेट वाइज राज्य वाइज चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता है नेक्स्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है इसके अंदर क्या है कॉमन इंटरेस्ट होता है यानी ये स्टेट के लिए भी होता है देखिए वापस से समझिए जो यूनियन लिस्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लेवल पे थी वो नेशनल इंपॉर्टेंस की थी नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि जो पूरे देश के लिए जरूरी है उससे रिलेटेड मैटर्स थे। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था सपोज करो आपका डिफेंस ठीक है पूरी आर्मी भारतीय इंडियन आर्मी होती है वो राजस्थान की आर्मी या पंजाब की आर्मी नहीं होती वो इंडियन आर्मी होती है फिर हमने मैटर की बात किया स्टेट की स्टेट के अंदर अलग होते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया पुलिस ये पर्टिकुलर स्टेट द्वारा चीफ मिनिस्टर द्वारा दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट concurrent list. Concurrent list के अंदर नेशनल इंपॉर्टेंस के साथ साथ जो स्टेट वाले मैटर्स हैं दोनों यानी जो दोनों के लिए जरूरी है वो बनाए जाते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके जब कोई एक लॉ बनाते हैं एग्जांपल जैसे कि फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई हुआ जैसे टूरिज्म से से रिलेटेड अपन बात करते हैं देखो अगर कोई कोई भा, कोई फॉरेनर या भी बाहर आता आता है वो आता तो कहां है भारत है वो तो तो भारत जो उसका वीजा वाला प्रोसीजर है वो कहाँ पे कवर अप किया जाएगा यूनियन लिस्ट में भाई उसको इंडिया में घुसना है तो उसका वीजा तो कौन डिसाइड करेगा यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा फिर वो कौन से स्टेट में सपोज करो आप राजस्थान स्टेट के अंदर आना चाहते हो और यहाँ शादी करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी चाहिए चाहिए आपको क्या चाहिए, आप क्या फैसिलिटीज आप चाहते हो अगर आप बहुत बड़े आदमी हो तो वो डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट अब हम बात करते हैं यहाँ पे अब जब कोई शादी हो रही है तो आप भारत में आए आपने पहले तो इंडिया में एंटर किया और फिर उसके अंदर आप राजस्थान के अंदर कोई रूल्स रेगू करना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा वो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट हो जाएगा इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई सपोज करो जब कोई टूरिस्ट इंडिया आते हैं तो उनके वीजा का काम तो यहाँ स्टेट में होता है फिर वो सॉरी सेंट्रल लेवल पे होता है फिर वो लोग स्टेट लेवल पे जाते हैं जैसे सपोज करो हम उत्तराखंड गए हैं वहाँ पे हमने क्या किया आ, उनको स्टेट के अंदर आने दिया अब जब उत्तराखंड के अंदर आ गए तो आपने देखा होगा कुछ हेरिटेज होटल्स होते हैं हेरिटेज होटल्स जो कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन होते हैं तो होता क्या है यहाँ पे हेरिटेज होटल्स जो हो गए यहाँ पे एक तो यहाँ पे क्या चीज हुई एक तो सेंट्रल और एक स्टेट दोनों लोग मिलके क्या करते हैं इन हेरिटेज होटल्स को या किस तरीके से डीलिंग किया जाएगा वो सब चीजें डिसाइड करते हैं ठीक है इसके अंदर एजुकेशन सीबीएसई जो है वो पूरे पूरे इंडिया का है तो वो हो गया आपका नेशनल इंपॉर्टेंस बट उसके अंदर भी सीबीएसई के अंदर भी एक अजमेर रीजन है तो वो एक पर्टिकुलर राजस्थान में हो गया तो सीबीएसई जो लॉ बनाता है उसके अकॉर्डिंग वो देखता है कि जो आपका रीजन आ रहा है जैसे अपोज अपना नॉर्थ रीजन आता है तो नॉर्थ रीजन में कौन सी भाषा है किस तरीके की चीजें चलती हैं वो लोग उनको ध्यान में रख के लॉस बनाएंगे सीबीएसई ने अपने सिलेबस में डाला कि पंजाबी एक लैंग्वेज है बट पंजाबी क्या राजस्थान में आप पढ़ा सकते हो नहीं तो उन्होंने पहले डिसाइड किया कि पंजाबी लैंग्वेज है ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज हो गई बाई सीबीएसई एंड देन उन्होंने उसको बोला कि पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जैसे पंजाब के अंदर सीबीएसई के अंदर उन्होंने कंपल्सरी कर दी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो या संस्कृत की जगह आप पंजाबी भी एक एक में किया जाता है। अब जल्दी से पढ़ेंगे कि बनाने का क्या है? भाई, सा है। पहले कोई भी एक बिल बनाता है बिल ड्राफ्ट किया जाता है क्या किया जाता है बिल ड्राफ्ट किया जाता है बिल ड्राफ्ट यानी कि इसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस जो भी आपको लगता है कि जरूरत है हमारी सोसाइटी को वो आप लोग लिखते हो ठीक है ये जो बिल बनाया गया बिल बनाने के बाद आप क्या करते हो इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज देते हो ठीक है स्टैंडिंग कमेटी को ये आप जो है बिल भेज देते हैं स्टैंडिंग कमिटीज को पढ़ती है इसके प्रॉन्स एंड क्रॉन्स यानी कि कोई कमियां, कोई अच्छाइयां, वो सब पढ़ती है वो सब समझती है और इसकी फिर एक रिपोर्ट बनाती है ठीक है रिपोर्ट बनाती है अगर सब कुछ ठीक होता है तो ये पर्टिकुलर जो है बिल जो है ये दोनों जो राज्यसभा लोकसभा है वहां पे प्रेजेंट किया जाता है ठीक है तो ये क्या करा जाता है सभा जो होती है लोकसभा राज्यसभा उनके अंदर ये बिल प्रेजेंट किए जाते हैं फिर वो लोग इस चीज की स्टडी करते हैं अगर सब कुछ ठीक होता है सब चीजें अप्रूव हो जाती है देखो अप्रूव नहीं होगी तो वो दोबारा क्या होगा स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगी फिर वो उसके अंदर कुछ सुधार करेंगी फिर वो वापस लोकसभा राज्यसभा में आएंगी बट अगर हम बात करें सब कुछ सही रहता है तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास जिस दिन प्रेसिडेंट उस बिल को साइन कर देता है वो जो बिल है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में लॉ के अंदर तो ये बोलता है बिजनेस आपका जो है जो जो आपका बेसिकली रूल था जो आपका रूल्स थे जो आपका बिल था वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ये क्या है हमारा ये हमने बात की थी कि जो आपका बिल होता है वो लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये प्रोसीजर होता है

वो कौन सा लॉ पढ़ना है हमें मर्केंटाइल लॉ हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मर्केंटाइल लॉ स्टार्ट कर रहे हैं मर्केंटाइल लॉ को कमर्शियल लॉ भी बोलते हैं ये क्या करता है ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज अब हम समझेंगे पहले कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होता है कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब कमर्शियल मतलब बाइंग एंड सेलिंग यानी अगर कोई चीज खरीदी और बेची जाती है जब भी किसी का लेन देन किया जाता है बाइंग सेलिंग होती है पैसों का लेन देन होता है उन सबको कमर्शियल एक्टिविटीज बोलते हैं तो जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं उनको रूल्स रेगुलेशन यानी उनको नियमों अनुसार निर्धारित किया जाए रेगुलेट किया जाए एग्जीक्यूट किया जाए लागू किया जाए तो उसके लिए आप बनाते हो कमर्शियल लॉ तो बहुत टर्म है इसके अंदर सारे कमर्शियल ट्रांजेक्शन यानी पैसों से लेन देन वाले जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं क्यों करते हैं ताकि भाई सब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो वैलिड हो वैलिड मतलब यानी उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं हो वो लॉ द्वारा निर्धारित हो किसी इलीगल चीज के लिए ना हो उससे किसी को नुकसान ना पहुंच रहा हो किसी के लिए हानि ना पहुंच रही हो तो इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए जब कोई लेन देन होता है तो उस लेन देन की प्रक्रिया क्या होगी किस तरीके से वो लेन देन किया जाएगा उसके लिए हम लोगों ने लॉ बनाया और उस लॉ को बोलते हैं कौन सा लॉ मोकिनटाइल लॉ जिसका दूसरा नाम है कमर्शियल लॉ ठीक है अभी कमर्क लॉ में क्या क्या आता है इसके अंदर ट्रेड कॉमर्स यानी सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने घर बेचना है मुझे घर खरीदना है तो हमने वो रजिस्ट्री कराई घर पे कागजात साइन कराए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है फ्रेंचाइजी सपोज करो मुझे मन है कि मैं एक मेगडी का शोरूम खोलू मेगडी की दुकान खोलू एक पर्टिकुलर स्टोर खोलू तो मुझे क्या लेना पड़ेगा मुझे फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी जो ओरिजिनल ओनर है ना मेगडी मैक का मैकडोनल्ड का या पिज्जा हट का जो ओरिजिनल ओनर है मैं उससे परमिशन लूंगी फिर वो मुझे नियम बताएगा भाई अगर मैगडी खोलना है तो इतनी स्पेस होनी चाहिए शहर शे, से इतना दूर होना चाहिए या दो मैगडी के बीच में इतना डिफरेंस होना चाहिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा किस तरीके के लोग वहाँ काम करेंगे लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब क्या हो दसवीं पास होंगे या बारहवीं पास होंगे या कॉलेज पास होंगे तो फ्रेंचाइजी लेते वक्त भी जब आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं बाय द रियल ओनर और फिर वो हमें बताता है अगर हम उन नियमों का पालन कर सकते हैं अगर हम सब चीजों पे अग्री करते हैं तो हमें फ्रेंचाइजी मिल जाती है लाइसेंसिंग क्या होता है लाइसेंसिंग यानी कि जैसे सपोज करो किसी भी चीज का किसी भी चीज को यूज करने का लाइसेंस आज आपकी कोई माइन है आपको मैंने बोला भाई आपकी माइन है आप उसको यूज नहीं कर रहे हो वो मुझे दे दो मैं उसको लीज पे या लाइसेंस पे ले लेती हूँ तो 99 नाइन का जैसे सपोज करो मुझे वो लीज अग्रीमेंट हुआ वो मुझे लीज पे मिल गई अब मैं क्या कर रही हूँ उस पर्टिकुलर माइन में से माइनिंग कर रही हूँ यानी कि कोल जो है उसमें वो कोयला जो है वो निकाल रही हूँ उससे फर्दर उसको यूज कर रही हूँ या मार्बल की माइन है उसमें से मार्बल निकालती हूँ उसकी घिसाई करती हूँ मार्केट में बेचती हूँ तो इन सब चीजों के आपको क्या मिलते हैं लाइसेंस मिलते हैं ये लाइसेंस लेने के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने हैं तो ये किसके अंदर आ गए अपने मर्केंटाइल लॉ के अंदर आ गए तो सिंपल सी चीज जब किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग मतलब लेन या देन होता है किसी भी गुड्स का किसी भी सर्विस का या पैसों का उन सब चीजों के लिए ये मर्केंटाइल लॉ फॉलो किया जाता है जो उसमें रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं अब अपन क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि कब आया था 1872 के अंदर ठीक है 1872 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में लाया गया यानी आजादी से भी पहले की बात है ये आजादी से पहले आ गया था इसलिए तो ये मर्केंटाइल लॉ ये अंग्रेजों वाला नाम है क्यों क्योंकि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों की हुकूमत थी तो उन्होंने वो लोग बाइंग सेलिंग कर रहे थे पहले बार्टर सिस्टम था कि भाई गुड्स के बदले में गुड्स यानी तू मुझे चावल दे मैं तुझे चीनी दूंगी तू मुझे कपड़ा दे मैं सपोज करो तुझे दाल दे दूंगी इस तरीके का बार्टर सिस्टम होता था बट जब बाटर सिस्टम रोका यानी कि जो राजा महाराजा आए उन्होंने क्या करा गिनिया लेके आए बोले सोने की गिनी चांदी की गिनी उस पर अपनी फोटो छाप के वो उससे क्या करने लगे लेन देन करने लगे फिर धीरे 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 वो बंद हुआ और क्या हुआ हमने मेटल्स मेटल्स यानी कि अलॉय अलॉय यानी कि बहुत सारे अलग अलग धातुओं को जब मिक्स करके जो स्कॉइन्स बनते हैं जो सिक्के बनते हैं उसको बोलते हैं Alloy metals, फिर वो आए ट्रांजेक्शन में जब हम बात करें आजादी से पहले जब ये बाटर सिस्टम खत्म हुआ था और लेन देन शुरू हुआ था पैसों से सिक्कों से गिनियो से तो ये पर्टिकुलर लॉ को हम लोग लेके आए थे कि किस तरीके से

आप लोगों के लिए होते हैं कि आप किस तरीके से बर्ताव करोगे बिहेव करोगे, कहां पे में लेके लेके कौन आया था? गवर्नमेंट आई थी लागू कौन करवाता है पुलिस कराती है नहीं करते हो तो क्या होता है पनिशमेंट्स मिलती है लॉ बनता कैसे है भाई स्टैंडिंग कमिटी होती है वो बिल बनाती है फिर अपनी रिपोर्ट सभा में देती है ये लोकसभा राज्यसभा उसको मेजोरिटी से यानी ज्यादा जैसे 100% परसेंट है तो 51% वन परसेंट मेजोरिटी से उसको पास करते हैं यहां पास हो गई तो वो जाती है प्रेसिडेंट के पास साइन होने और ये फिर बिल क्या बन जाता है आपका लॉ बन जाता है ठीक है लॉ की जरूरत क्यों है ताकि जो आपको अधिकार मिले हैं उसका कोई ज्यादा फायदा ना उठाए आपको डर होना चाहिए कि जो आजादी है वो आजादी को हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना इसलिए लॉ बनाया गया लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा मोकेंटाइल लॉ पढ़ा तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि ये था क्या अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं मोकेंटाइल लॉ के अंदर हम लोग कब आया था 18, सेवेंटी टू में आया था तो हम अब पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये आपका लॉ तो जो टॉपिक है ये कितने मार्क्स का है आपका 35 मार्क्स का हमने स्टार्ट किया अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है सेक्शन वन से शुरू होता है और खत्म होता है टू सिक्स सेक्शन पे चलो अब मैं इससे पहले आपको यह भी बताती हूं ये लिखा है टू ये लिखा है सपोज बी ये लिखा है वन और ये लिखा है ए अब इसको रीड कैसे करोगे सेक्शन तो आपने बड़ा बड़ी है क्या इसको रीड कैसे करते हो अगर कर ये सब लिखा है तो यहां पे जो टू है ना इसको बोलते हैं सेक्शन जो बी है इसको बोलते हैं सब सेक्शन, फिर जो ये है वन इसको क्या बोला क्लॉज और इसको कैसे रीड करते हैं इसको बोलते हैं सब ठीक है? तो इस तरीके से सेक्शंस की की स्टडी जाती है। तो मैंने आपको डायरेक्टली सेक्शंस बताया इसके अंदर सब सेक्शंस नहीं बात कर रहे हैं हम लोग अभी हम लोग के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन वन से लेके सेक्शन टू तक है सेक्शन वन से लेके सेवेंटी तक जनरल प्रोविजन है ये सब क्या है ये सब डिटेल में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे 76 से 123 में क्या है सेल्स एंड गुड्स के बारे में था ये पहले रूल ही था कुछ लॉज ही थे बट बाद में जब इसका बाइंग एंड सेलिंग पूरे कंट्री कंट्री के लेवल पे और एक कंट्री, दूसरी कंट्री से भी करने लगी, तो बहुत सारी जब आने लगी न, बहुत नहीं रहने देते इसको फर्दर एक एक्ट बना देते हैं। हमें किसको? सरकार को लगा तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया जिसको बोलते हैं क्योंकि 1930 में ये एक्ट पहली बार आया था एक्ट के नाम से 124 से 170 147 में क्या है इंडेमनिटी एंड गारंटी इसमें क्या होता है सपोज मुझे सौ रुपये उधार चाहिए बट आप मुझे नहीं जानते तो आपने मुझे बोला कोई गारंटर लेके आओ जो तुम्हारी गारंटी देगा कि भाई अगर तुम नहीं पे कर पाए तो वो मुझे तुम्हारे बदले में पैसे दे देगा तो उससे रिलेटेड ये इंडेमिनिटी एंड गारंटी है 148 से 181, 181 में है बेलमेंट एंड एंड प्लेज प्लेज बेलमेंट क्या होता है बेलमेंट होता है कि जैसे सपोज करो आप मुझे कार चाहिए दो घंटे के लिए मुझे अपनी मम्मी को डॉक्टर के लेके जाना है तो मैंने क्या करा आप मेरे दोस्त दोस्तों आपको बोला यार दो घंटे के लिए कार दे दे जरूरी है काम है आपने मुझे अपनी कार दे दी तो जब कोई इंसान एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपनी कोई चीज सामने वाले को यूज करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए देता है उसको बोलते हैं बेलमिट अगर आप मुझसे उसके पैसे नहीं लेते हो तो वो हो गया ग्रेशियस अगर आप मुझसे पैसे ले लेते हो तो वो है नॉन ग्रेशियस प्लेज को गिरवी रखवाना अब यहां से भी मैं आपको एक बोर्ड पहले बताना चाहूंगी जब कोई मूवेबल मूवेबल यानी कि जो मूव हो सकती है जो हिल सकती है जैसे कि ज्वेलरी हो गई या सपोज करो आपकी कार हो गई जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जब हम इसको गिरवी रखते हैं उसको बोलते हैं प्लेज। उसको क्या बोलते हैं प्लेज। बट कोई जब इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है इमूवेबल जैसे कि सपोज करो कोई लैंड हो गया कोई बिल्डिंग हो गई ये अपनी जगह से नहीं हिल सकती जब इसको गिरवी रखते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं मॉडकेज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग मोटकेच बोलते हैं ठीक है तो बेसिकली यहां पे हम बेलमेंट और प्लेज की बात करेंगे 182 से 138 में किसकी बात है एजेंसी एजेंसी यानी कि भाई सिंपल से चीज है तुम मेरे हो। जिसे मुझे घर किराए पे देना है। अब मैंने एक एजेंट को बोला तुम मेरा घर किराए पे दिलवा दे ठीक है वो क्या कर रहा है वो लोगों को बोल रहा है अरे घर किराए पे है तुम्हें चाहिए क्या तुम्हें चाहिएगा लोग उसके पास आते हैं वो मेरा घर आप लोगों को दिखाता है और अगर सपोज करो आप मेरा घर किराए पे ले लेते हो तो मैं क्या करती हूँ जितना मेरे पास किराया आएगा उसका कुछ परसेंट उसको कमीशन दे देती हूँ और आपकी भी उसने मदद की तो आप भी उसको क्या दे दोगे कमीशन दे दोगे तो ये होता है एजेंट फिर 239 से 266 में क्या था पार्टनरशिप से रिलेटेड यानी जब दो लोग मिलके कोई काम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप पार्टनर्स Partners बोलते हैं और वो जो काम करते हैं हैं उसको बोलते पार्टनरशिप इसके भी पहले सिर्फ कुछ रूल्स ही थे बट बाद में जब इसका चलन बहुत ज्यादा चल रहा था यानी सब लोग ही इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होने लगे अपने आप को जोड़ने लगे तो इसको भी रूल्स हटा के इसके लिए भी एक एक्ट बना दिया गया कब आया थर्टी में यानी कि 1932 में इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के रूल्स को उस बिल को एक लॉमिक वो कर दिया गया ठीक है ये आपके टोटल सेक्शंस हैं, जो कि हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हो गया कि ये था क्या क्या सेक्शन है अब चलो एक नॉर्मल बात करते हैं मैंने आपको बोला अरे यार मुझे ना भूख लगी है हम दो दोस्त हैं अपन दोनों दोनों दोस्त बैठे हैं मैंने आपको बोला यार मुझे भूख लग है कहीं होटल चले क्या आपने बोला चल यार चलते हैं होटल चलते हैं दोनों कुछ खा लेंगे ठीक है ये ये क्या है ये मैंने क्या बोला ये मैंने आपको बताया है अग्रीमेंट के बारे में मतलब समझिएगा ये था प्रपोजल मेरा आपको बोला कि चल कहीं चलते हैं कुछ खा के आते हैं ये मैंने क्या करा मैंने आपको प्रपोज़ल दिया आपने बोला चल चलते हैं दोनों कुछ खा लेंगे थोड़ा थोड़ा भूख तो मुझे भी लग रही है मुझे क्या दिया उस एक्सेप्टेंस दी तो जब कोई प्रपोजल होता है उस पर जब सामने वाला कोई अपनी हामी देता है यानी अपनी हाँ भर देता है तो वो क्या बन जाता है वो बन जाता है Promise. क्या बन जाता है वो प्रोमिस जो कि किस सेक्शन में डिफाइंड है टू सेक्शन और सबसेक्शन बी सबसेक्शन बी में डिफाइन किया गया है प्रॉमिस को प्रॉमिस क्या है सेट ऑफ बेसिकली क्या बोध करेंगे प्रॉमिस क्या है व्हेन देयर इज अ प्रपोजल एंड कि जब सामने वाला कोई आपको आप हामीपल तो को रजामी रजा एक और एग्जाम्पल देखते हैं एक्स ने एडवर्टीजमेंट दिया कि वो अपना स्कूटर बेचना चाहता है कितने रुपए में बेचना चाहता है तीस हजार में बेचना चाहता है वाई ने एडवर्टीजमेंट देखा और उसने फोन करा कि भाई क्या है स्कूटर कितने साल पुराना है क्या माइलेज है कितने किलोमीटर चला हुआ है और उन लोगों ने क्या करा उन लोगों ने डिस्कशन के बाद बात करने के बाद तय किया कि वो ये स्कूटर खरीद लेगा ठीक है वो स्कूटर क्या खरीद लेगा करेगा खरीद लेगा तो ये बोलता है कि भाई जब प्रपोजल के अंदर आपकी एक्सेप्टेंस मिली तो वो क्या बन गया प्रॉमिस और वो जो प्रॉमिस है अब अब उस प्रॉमिस में क्या होगा अगर कंसिडरेशन भी मिल जाएगा क्या हो जाएगा जाएगा जब आपके प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल जाएगा, तो वो बन जाएगा अग्रीमेंट अब आता है वर्ड की कंसिडरेशन क्या है ठीक है ये अपन एक तरीके से डिक्शनरी बनाते जा रहे हैं अपनी हर वर्ड का मतलब भी लिखते जा रहे हैं कंसीडरेशन क्या है कंसीडरेशन यानी पहले इंग्लिश में समझते हैं इसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न यानी इन रिटर्न किसी चीज के बदले में जब आप किसी को कुछ देते हो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन जैसे कि सपोज करो आपने मुझे आप पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हो आपने क्या करा पिज़्ज़ा डिलीवर किया आपने मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर किया तो मैंने क्या कर दिया आपको उसके बदले में पांच सौ रुपए पे कर दिए तो ये क्या हो गया ये 500 सौ क्या हो गया है consideration, ठीक है तो पहले प्रपोजल था अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं प्रपोजल क्या था एक्स ने अपना एडवर्टीजमेंट दिया ये क्या है प्रपोजल ठीक है कंसिडरेशन उसने बोला तीस हजार रुपए का है ये क्या था कंसिडरेशन उन दोनों ने आपस में बात की डिस्कशन किया और उसके बाद वो अग्री करता है उसने हामी भर दी कि ठीक है इस स्कूटर को मैं तीस हजार रुपए में खरीदने के लिए राजी हूं तो जैसे ही प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस आई विथ कंसिडरेशन कंसिडरेशन के साथ एक डिसाइड किया गया कि उसके बदले में क्या मिलेगा तो वो चीज क्या बन गई आपकी अग्रीमेंट वो चीज क्या बन गई बेटा अग्रीमेंट एक और एग्जाम्पल समझते हैं अग्रीमेंट क्या है भाई सिंपल सी चीज है मैंने क्या करा सपोज करो आप मैंने एडवर्टीजमेंट दिया कि भाई हमारे यहाँ पे सी ए के सी के या बी कॉम के बैचेज चालू हो रहे हैं पांच तारीख से सपोज करो मैंने ऐसा एडवर्टीजमेंट दिया आपने उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ा और आपको लगा कि यार मुझे तो ज्वाइन करना है आप आ गए बात करने आपने बात की कि कितने समय में कोर्स होगा कैसे पढ़ाओगे हो नोट्स दोगे क्या कैसे करेंगे हम लोग कितने बजे आना होगा टेस्ट लोगे क्या कोई मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज दोगे क्या ये सब आपने बातचीत की फिर आपको चीजें समझ आने लगी तो आपने पूछा चेस कि फीस कितनी है मैंने कहा चलो सपोज लॉ है लॉ की फीस आपकी ₹5000 है आपने मोल भाव किया और आप रेडी हो गए कि ठीक है मैं जो ये लॉ आप पढ़ा रहे हो Suppose, 90 दिन के अंदर, जिसके अंदर आप नोट्स दोगे टेस्ट सीरीज दोगे डाउट भी लोग पांच हजार ले रहे हो तो मैं राजी हूँ, मैं कल से ट्यूशन कर लूंगा अग्रीमेंट तो अब यहाँ पे प्रपोजल क्या था जो मैंने इश्तेहार दिया था अखबार में वो मेरा क्या था प्रपोजल कंसिडरेशन क्या था जो पांच हजार रुपये मैंने आपको बताया कि लॉ पढ़ना है तो उसके पांच हजार रुपये लगेंगे तो वो था उसमें क्या कंसिडरेशन अब बात करने के बाद अगर आप उस चीज पे क्या करते हो अपनी हामी भर देते हो एक्सेप्टेंस दे देते हो ठीक है मैं ज्वाइन कर लूंगा तो जैसे ही आपने अपनी एक्सेप्टेंस दी वो चीज क्या बन गई हमारी अग्रीमेंट बन गई ठीक है ये होता है अग्रीमेंट अब हम आगे जाते हैं कि जो अग्रीमेंट है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है सेक्शन टू सबसेक्शन ई तो जब कोई भी ऑफर होता है उसके अंदर चलो यहाँ पे हम पहले कंसिडरेशन लिख देते हैं अगर उसके अंदर कंसिडरेशन होता है और फिर इस ऑफर को आप कंसिडरेशन के साथ मिलके अपनी क्या दे देते हो एक्सेप्टेंस दे देते हो क्या देते दे दे हो एक्सेप्टेंस तो वो क्या बन गया था वो बन गया था अग्रीमेंट ये तो अग्रीमेंट हुआ अब मैम अग्रीमेंट हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट नया वर्ड क्या यही तो सेम चीज है देखो जब आपने मुझे सिर्फ वादा किया आपने मुझे क्या किया सिर्फ वादा किया कि ठीक है मैं ट्यूशन पढ़ने कल से आ जाऊंगा ये वादा है ठीक है ये सिर्फ वादा है यहाँ पे अगर आप नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकती नहीं आए तो नहीं आए भाई अब ऐसा तो नहीं कि घर पहुंच जाऊंगी नहीं भाई तू पैसे दे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता वो सिर्फ एक वादा था एक प्रॉमिस था पूरा करो तो, नहीं पूरा करो तो भी ठीक मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकती आपको लॉ द्वारा कुछ भी नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर एनफोर्सिएबिलिटी मिसिंग थी एनफोर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है हम वर्ड लिखते हैं पहले एन फोर्स पहले तो यहाँ एक वर्ड है force. फिर हमने लिखा हैिटी एनफोर्सिबिलिटी मतलब उस चीज को लागू कराना बाय लॉ उस चीज को लागू कराना बाय लॉ यानी कि जब आपने मुझे किसी भी तरीके का वादा किया था और उस चीज की मैं लिखा पढ़ी कर लेती हूँ क्या कर देती हूँ लिखा पढ़ी यानी किसी भी तरीके का पेपर्स जो है उस पर साइन कर देती हूँ कोई जो दस्तावेज है उस पर साइन कर देती हूँ क्या कर देती हूँ साइन कर देती हूँ या स्टैंप लगा देती हूँ तो वो जो अग्रीमेंट था जो वादा था अगर उसके अंदर इनफोर्सिबिलिटी मिल गई तो वो आपका बन गया क्या कॉन्ट्रैक्ट वो आपका क्या बन गया कंट्रैक्ट अग्रीमेंट सेक्शन था टू ई और ये है आपका टू एच तो बेसिकली आप जब भी कोई वादा करते हो आपने सपोज करो वादा किया अगले दिन आप आए आपने मुझे फीस दे दी और उस फीस के बदले में मैंने आपको रिसिप्ट दे दी जिसके अंदर मेरा साइन है डेट है आपके कोर्स के बारे में लिखा है तो वो चीज बन गई क्या वो चीज़ वो चीज बन बन गई आपकी एनफोर्सिएबल यानी गया अब आपको मैंने वो स्लिप आपके हाथ में थमा दी थी अगर कल को सपोज मैं लॉ पढ़ाने से मना कर देती हूँ मैं बोली मैं तो आपको जानती नहीं हूं अगर आपके पास वो स्लिप है बेटा तो आप कोर्ट में मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते हो मुझे लॉ द्वारा फोर्स कर सकते हो कि मैं आपको पढ़ाऊं और अगर मैं नहीं पढ़ाती तो मैं आपकी फीस आपको रिटर्न करूं बट अगर आपने मुझे फीस दे दी और मैंने आपको कोई स्लिप नहीं दी तो उस केस में क्या तो भाई अगर मैं कल को मुकर गई तो आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते कोई प्रूफ नहीं है कि आपने मुझे पैसा दिया था तो प्रूफ लाने के लिए प्रूफ लाने के लिए दस्तावेज लाने के लिए एविडेंस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं लिखा पढ़ी करते हैं प्रॉपरली स्टैंप साइन करते हैं या प्रॉपरली कागज पे उसको लिख के अपने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करते हैं ताकि वो चीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए यानी कल को कोई तकलीफ आए तो लॉ हमारी मदद कर सके हमें हमारे अधिकार दिलाने में ठीक है तो अपनी एक चेन थी सबसे पहले प्रपोजल प्रपोजल पे कंसिडरेशन आपने अपनी एक्सेप्टेंस दी एक्सेप्टेंस देते ही वो बन गया अग्रीमेंट अग्रीमेंट के अंत को जब मैंने लॉ द्वारा निर्धारित करा लिया तो वो मेरा बन गया कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ये हमने बेसिक चीज पढ़ी है अभी कि ये होता क्या है अब इसको हम प्रॉपर्टी क्वेश्चंस पढ़ेंगे ठीक है क्वेश्चन यानी कि हमारा आता है कि असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ये कुछ है टू पार्टीज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप लीगल फॉर्मेलिटी का फुलफिल करना सर्टनिटी ऑफ मीनिंग पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अग्रीमेंट ये आपके क्या है ग्यारह पॉइंट्स हैं इन सारी इलेवन पॉइंट्स को अगर आप फुलफिल करते हो तो वो अग्रीमेंट क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट फिर असेंशियल पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक रिटन अग्रीमेंट है रिटन अग्रीमेंट है जो कि लॉ द्वारा निर्धारित किया गया है यानी कि अगर देखो बेटा सब चीजें हन की डोरी चल रही यानी सब चीजें अगर अच्छे अच्छे चल रही हैं तब तो कोई बात नहीं बट जैसे ही अगर कोई चीज बुरी होती है तो आपको अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है आपके पास उसको कंट्रैक्ट करना जरूरी है यानी उसको रिटर्न फॉर्म में होना आपके पास जरूरी है ताकि आप अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सको ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है? नहीं ये दोनों पार्टीज जो दो पार्टीज हैं आपने मुझे पैसे दिए मैंने आपको पढ़ाया हम दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है क्योंकि ये दोनों को लीगली बाइंड करती है क्या करती है लीगली बाइंड तो कंट्रैक्ट करने की क्या क्या कंडीशन है पहला कंडीशन है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बेटा एक चीज समझना एक जना ऑफर कर रहा है और दूसरा उस चीज को अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है अब जो ऑफर करता है ऑफर जो करता है उसको क्या बोलते हैं ऑफरर और जो अपनी एक्सेप्टेंस देता है उसको बोलते हैं ऑफरी इसको लोन कैसे करते हैं ऑफरर यानी नर जो दे रहा है ऑफरी मैंने ये बहुत छोटा सा ऐसी ट्रिक बनाया मुझे लोन नहीं होता था जब मैं पढ़ती थी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बेलर बेली प्लेजर प्लेजी अब मेरे को समझ ही नहीं आता था कि इसमें कौन सा बेलर है कौन सी बेली है कौन सा प्लेजर है कौन सी प्लेजी है कौन सा ऑफरर है कौन सी ऑफरि है तो बेटा जो ऑफर दे रहा है दे रहा है ऑफरर जो दे रहा है वो होता है ऑफरर और जो अपनी एक्सेप्टेंस मंजूरी दे रहा है मंजूरी दे रहा है उसको बोलते हैं ऑफरी री रि इस तरीके से आपको ये लर्न करने में इजी हो जाता है तो ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या जरूरी है ऑफर देना और फिर उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देना ऑफर होता है फिर जब आप उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देते हो तो वो एक जरूरी पॉइंट है असेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब किसी ने ऑफर दिया होगा और दूसरे ने उसको एक्सेप्टेंस दी होगी ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आप इसके अंदर एक और फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हो कि ये टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जैसे आपके ऊपर यहाँ लिखा है टू पार्टीज ऑफरर ऑफरी ठीक है उसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया नीचे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इसकी दूसरी हेडिंग क्या हो सकती है टू पार्टीज दोनों एक ही चीज है ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब यहां पे जो ऑफरर है और जो ऑफरी है यानी जो दोनों पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों अपने आप को लीगली बाउंड करना चाहती है या ये कह सकते हो अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट करना चाहती है ताकि कल को अगर कुछ खराब हो तो हमारे पास लॉ का सहारा होना चाहिए ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके तो ये कहता है अगर कोई भी दो पार्टीज लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहती है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है बट अगर वो डो नॉट विश यानी अगर उनको लीगल रिलेशनशिप नहीं बनाना तो कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है बट यस yes, अगर आपको लीगल रिलेशनशिप चाहिए लीगल प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना पड़ेगा लिखित में दस्तावेज पे सिग्नेच करने पड़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुलेशन अब मैंने आपने क्या किया था मुझे पिज्जा डिलीवर किया था और मैंने क्या करा उसके बदले में आपको पांच सौ रुपए दे दिए थे तो ये फाइव हंड्रेड हमने अभी पढ़ा था, ये क्या होता है कंसिडरेशन अब ये बोलता है कि जो कंसिडरेशन होता है ना बेटा ये लीगल या लॉफुल होना चाहिए लॉफुल मतलब आप मुझे जो बदले में कुछ दे रहे हो ना वो लीगल होना चाहिए मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो लॉ के अगेंस्ट हो जैसे कि और यार तू मेरा दोस्त है तू मेरा सच्चा मित्र तूने मेरा इतना बड़ा काम किया तूने सपोज मेरी मम्मी की मदद की जब मैं जयपुर से बाहर था अब तू बताते मेरे क्या करूं मैं तेरे लिए तूने बोला यार ऐसा कर उस दूसरे जो आदमी है ना सपोज एक्स उसने मुझे बड़ा परेशान किया है। तो ऐसा कर उसको गाड़ी से ठोक के आ जा उसका एक्सीडेंट करा दे साला मर जाएगा तो ये क्या हुआ आपने जो मुझे इन रिटर्न करने को बोला वो लीगल नहीं था लॉफुल नहीं था तो मैं आपके लिए अगर किसी को गाड़ी से टक्कर मार देती हूं एक्सीडेंट करती हूं बदले में किसके बदले में क्योंकि आपने मुझे मदद की थी तो बेटा वो लॉफुल या लीगल कंसिडरेशन नहीं है वो चीज ठीक नहीं है अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वो कंट्रैक्ट नहीं होता ठीक है थर्ड फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर कैपेसिटीज ऑफ पार्टी अब दो पार्टी हमने पढ़ी थी कौन सी ऑफरर एंड ऑफरी ये जो दोनों पार्टीज है ये माइनर नहीं होनी चाहिए माइनर यानी कि माइनर मतलब क्या होता है लेस देन इयर्स ईयर्स अठारह साल से कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए अनसाउंड माइंड दिमाग से आपको किस, आपका जो दिमागी संतुलन है वो ठीक हुआ ठीक होना चाहिए और तीसरा है पर्सन डिस्कालीफाइड बाय लॉ डिसक्फाइड मतलब लॉ ने आप पे रोक लगा रखी है कि आप किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाओ ये कौन से लोग होते हैं सपोज कोई कॉन्विक्ट है कॉन्विक्ट मतलब कोई कैदी है कोई कैदी है ना अगर वो कैदी है वो अभी सजा काट रहा है तो वो किसी भी तरीके का किसी भी इंसान से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता उसको लॉ द्वारा उस पर रोक लगी होती है जैसे सपोज करो एक, एक होता है पर्दा नशी वोमेन पर्दा नशी वोमेन क्या होता है नशी वुमेन यानी कि ये वो औरतें होती हैं जो कभी अपना घूंघट नहीं उठाती हमेशा घूंघट में रहती है अब कोई घूंघट वाली औरत आपसे आके कोई दस्तावेज साइन कर देती है है ठीक कल को सपोज उसने बोला कि मैं अपनी जमीन बेच रही हूँ आपने उसको दस लाख दे दिए और उसको बोला कि ठीक है इस तारीख को रजिस्ट्री पे आ जाना अब जब दस तारीख को आप गए तो भाई वो तो बोली मैंने तो कोई अग्रीमेंट साइन ही नहीं किया था मैं तो कभी आई नहीं आपसे मिली ही नहीं तो अब पे आप कुछ नहीं कर सकते क्यों अब पर्दे के अंदर कौन था पर्दे के अंदर यानी घूंघट के अंदर कौन था आपको तो पता ही नहीं है तो जब आप किसी का चेहरा नहीं देख सकते आपको पता नहीं है कि पर्दे के अंदर घूंघट के अंदर कौन है तो उस इंसान से उस औरत से आपका ट्रैक भी नहीं करोगे वो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है ये कंडीशंस पहले होती थी बच्चे जब औरतें कभी अपना घूंघट नहीं उठाती थी हमेशा गांव के अंदर घूंघट में रहती थी तब ये चीज़ें होती थी आजकल तो ऐसा नहीं है सब बहुत मॉन्डेड हैं घूंघट उठाते हैं लोग तो वो चीज़ें अब नहीं है बट हाँ ये भी इसी के अंदर इंक्लूड की गई है ठीक है तो आप अट्ठारह साल से बड़े होने चाहिए दिमागी संतुलन इसके अंदर ड्रंकन लोग नहीं आते जैसे अगर सपोज करो आप पिए हुए हो तो पिए हुए की हालत में मैं आपसे किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा सकती अगर आप डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन यानी अपनी एक्सेप्टेंस या ऑफर नहीं कर सकते पिया हुआ इंसान अगर कोई ऑफर देते ना अरे तू आजा मैं तुझे अपना घर बेच दूंगा तू बस मुझे घर तक छोड़ दे मेरे घर तेरे नाम कर दूंगा तू मुझे घर छोड़ दे क्योंकि अभी मैं पिया हुआ हूँ आपने उसको घर छोड़ा अगले दिन आप आ गई यार घर तो तू मेरे नाम पे कर बोलेगा भाई कौन सा घर कौन है भाई तू कहाँ से आया क्यों मैं अपना घर तेरे नाम तो पिया हुआ इंसान जो होता है उसके दिमागी संतुलन या दिमाग उसकी वश में नहीं होता कंट्रोल में नहीं होता तो इन तरीके के जो अनसाउंड माइंड यानी जो दिमाग से थोड़े से वीक हैं या जिनको प्रॉब्लम है थोड़ी मेंटल इलनेस है उन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो नेक्स्ट पॉइंट है फ्री कंसेंट कंसेंट यानी कि आपने क्या करी थी अपनी एक्सेप्टेंस दी थी एक्सेप्टेंस को बोलते हैं फ्री कंसेंट जो एक्सेप्टेंस दी थी ना वो फ्री होनी चाहिए फ्री यानी कि अगर मैं आपसे मारपीट के मारपीट के बोलते हैं कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब मैं अपनी पोजीशन का फायदा उठा के आप पे दबाव बना रही हूँ। ये होता है मारना ये होता है जब आप किसी पे दबाव बनाते हो दबाव बनाते हो तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड यानी कि धोखे से अगर मैं आपसे किसी भी तरीके की हामी भुलवा लेती हूं मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब दिखाया कुछ और दिया कुछ और ठीक है वो होता है मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक यानी गलती से सपोज अगर ये चीजें हैं और आपने मुझे अपनी क्या करी एक्सेप्टेंस दी यानी कि मैंने आपसे मारपीट के या दबाव से आपको या धोखेधड़ी से किसी भी तरीके से आपने आपकी एक्सेप्टेंस ले ली तो वो फ्री कंसेंट नहीं है वो ठीक नहीं है और अगर ऐसा कुछ है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा समझिए बच्चे ये कहता है अगर इसमें से कोई चीज भी प्रेजेंट है सपोज मैंने मारपीट के आपसे साइन तो करवा लिया तो यानी वो फॉर्म में हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया बट कल को मैं आपके पास आती हूँ तो तो जरूरी जो शर्त थी यानी वो पूरी नहीं हो रही है और अगर वो जरूरी शर्त कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पूरी नहीं हो रही है बेटा तो किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मान्य लॉ द्वारा निर्धारित In enforceable, in enforceable नहीं माना जाएगा आप याद रखिए अगर ये जो हम शर्तें पढ़ रहे हैं हम कि शर्तें पढ़ रहे हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की और अगर इसमें से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती है और उसका पता चलता है तो वो जो अग्रीमेंट हुआ अग्रीमेंट तो जिसको आपने लॉ लॉ द्वारा निर्धारित करा के कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो वैलिड नहीं माना जाएगा वो लीगल नहीं माना जाएगा तो कंट्रैक्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है अब नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज पे हम लोग डील करें सपोज आप मुझे अपना क्या कर रहे थे अपना घर बेच रहे थे अपना हाउस सेल कर रहे थे अब वो जो घर है ना वो लीगल होना चाहिए लीगल मतलब क्या हुआ घर लीगल कैसे होता है बेटा घर लीगल ऐसे होता है कि उस घर पे किसी भी तरीके का कोई सेटलमेंट या डिस्प्यूट नहीं चल रहा होना चाहिए उस घर के ओनर आप ही होने चाहिए ऐसा पता चला किसी का घर बंद पड़ा था बहुत सालों से आपकी उस पर नजर थी अब आपने उसके ताले वाले तोड़े और आपने बोला भाई मैं, मैं इसका ओनर हूं मैं इस घर को बेचना चाहता हूं तो इस ये अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो वो जो ऑब्जेक्ट है यानी वो घर जिसके बीच जिसके लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दी जा रही है वो घर ही क्या है लॉफुल नहीं है वो ठीक नहीं है लॉ अकॉर्डिंग क्योंकि उस पर डिस्प्यूट चल रहा है या आप उसके ओनर नहीं हो तो ये कहता है जो ऑब्जेक्ट है जिस चीज के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है हैज नथिंग टू डू विद द कंसिडरेशन कंसिडरेशन बात की चीज है सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज जो है वो ये है कि वो आपकी जो ऑब्जेक्ट है ना वो ठीक होनी चाहिए लीगल होनी चाहिए उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम किस तरीके की यानी वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कब माना जाएगा इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ यानी लॉ ने उस पे रोक लगा रखी है या आप जो चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो अगर आप उस पे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो लॉ क्या हो जाएगा डिफीट यानी लॉ टूट जाएगा लॉ फॉलो नहीं माना जाएगा किसी तरीके की धोखाधड़ी होगी या उससे किसी को नुकसान इंजरी यानी किसी को नुकसान पहुंच सकता है या वो सोसाइटी के लिए उस तरीके की चीजें ठीक नहीं है ठीक है उसको बोलते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट अगर इन चारों पांचों में से कोई भी कंडीशन इन चारों पांचों में से कोई भी कंडीशन ये है कि ये नहीं होना चाहिए अगर ये होगा तो वो अनलॉफुल है पर अगर इनमें से कुछ भी होता है तो वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा और अनलॉफुल होते ही आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा इनवैलिड क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट इन वैलिड हो जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट है जो हाउस आप मुझे बेच रहे हो सपोज वो डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए आप उसके खुद ओनर होने चाहिए हो उससे किसी को इंजरी नहीं पहुंचनी चाहिए ये सब कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है तभी वो लॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाएगा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है चलो एक एग्जांपल लेते हैं मैम ये तो आपने बताया लॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है एक मूवी देखी थी हमने कुछ समय पहले बंटी एन बबली देखिए किसी ने बंटी एन बबली मूवी उसमें वो क्या करते हैं एक अंग्रेज को ताजमहल बेच डालते हैं क्या करते हैं ताजमहल ही सेल कर देते हैं क्या भाई वो ताजमहल के मालिक है क्या नहीं इट इज फॉरबिडन बाय लॉ ये लॉ ने बोला है कि आप ऐसा नहीं कर सकते वो आपका है ही नहीं वो तो सरकार की चीज है गवर्नमेंट की चीज है आप उसको ऐसे बेच नहीं सकते को आप उसके मालिक नहीं हो तो अगर वो जो ताजमहल बेचा अब हुआ क्या वो अंग्रेज था कोई अंग्रेज था सपोज कोई फॉरेनर था उसका नाम था सपोज एक्स उसको पता ही नहीं था कि वो उसके मालिक भी होते हैं कुछ होते हैं वो सरकार की होती है उसने क्या करा ताजमहल को परचेज कर लिया कितने में भाई पांच करोड़ में पे कर दिया उन्होंने क्या किया देखना यहाँ पे प्रॉपर ऑफर हुआ ऑफर यानी कि उस बंटी एंड बबली ने उसका ऑफर दिया कि हम बेच रहे हैं ठीक है कंसिडरेशन भी था कि भाई पांच करोड़ रुपए लेंगे वो जो दोनों पार्टी है, है और वो जो फॉरनर है वो मेजर है यानी वो, अपनी, फ्री कंसेंट भी है, कि वो अंग्रेज अपनी मर्जी से किसी दबाव या किसी जोर जबरदस्ती से नहीं अपनी मर्जी से कंसिडरेशन देने के लिए वो पांच करोड़ जो है वो देने के लिए अपनी मर्जी से रेडी यहां पे इन्होंने उस अग्रीमेंट को क्या कर दिया साइन भी कर दिया यानी कि उसको उन्होंने क्या कर लिया कॉन्ट्रैक्ट बना के उसको इन्फोर्स करने की कोशिश की भाई इसने क्या किया ताजमहल के पेपर साइन किए और पांच करोड़ रुपए दे दिए अब वो फॉरेनर क्या हुआ मूवी के अंदर था वो फॉरेनर क्या करता है वो उसके बाहर अपनी सपोज नेम प्लेट लगा देता है या उसके अंदर ताजमहल के अंदर घुस के कोई अल्टरेशन अल्टरेशन बोलता है यार ये एंट्रेंस जो है ना मैं इस पे गेट दूसरा लगाऊंगा इस तरीके की चीजें करने की कोशिश करता है ये चीज किसको पता चली पुलिस को कोर्ट्स को उन्होंने क्या करा उस फॉरेनर को उन्होंने क्या करा उस फॉरेनर को बोला तो ये कैसे कर सकता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है वो बोलते हैं भाई मैं तो इसका क्या हूं ओनर हूं मैंने इसके बदले में 5 करोड़ रुपए पे किए तो उसने बोला कि नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है फ्रॉड हुआ है क्या हुआ है फ्रॉड यानी कि जो अपनी कंडीशन थी यहाँ पे अपन अभी ऊपर पड़ी थी कि आपने कंसेंट तो अपनी मर्जी से दी बट आपके साथ क्या हुआ धोखा हुआ तो वो ऑफर वो एक्सेप्टेंस था पार्टीज भी दोनों ठीक थी लीगल कंसिडरेशन भी था सब भी था बट अगर ये एक पॉइंट भी अराइज हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो जो सेल डीड थी ना बेटा वो जो खरीदा था उसने जो पैसे दिए थे वो मान्य यानी लीगली इनफोर्सिबल नहीं माने जाएंगे यानी इस केस में क्या हुआ उसके करोड़ रुपए डूब गए वो पांच करोड़ लेके बंटी बबली भाग गए ये पांच करोड़ उस फॉरेनर के डूब गए अब वो जो फॉरेनर है वो क्या कर सकता है उसने तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लीगल उसको फिर भी लॉ द्वारा प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा लॉ द्वारा प्रोटेक्शन सिर्फ यही मिलेगा कि पुलिस क्या करेगी बंटी बबली को ढूंढेगी और अगर पैसे मिल जाते हैं तो इसको इसके पाँच करोड़ रुपए वापस दे देगी बट ताजमहल उस फॉरेनर के नाम पे नहीं हो सकता लीगल प्रोटेक्शन आपको यही मिलेगा क्यों क्योंकि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसको यानी कि वो जो फॉरेनर है जिसने वो पर्टिकुलर ताजमहल खरीदा उसमें समझ होनी चाहिए थी कि कोई ऐसी चीज जो तो सातवा अजूबा है देश का तो ये सबको पता है कि वो बेचने वाली चीज नहीं है तो इस केस के अंदर क्या हुआ है वो चीज एक पर्टिकुलर क्लॉज आपका पूरा नहीं हुआ देखो सब चीजें हो गई थी ऑफर हुआ था एक्सेप्टेंस हुआ कंसिडरेशन भी वैलिड था दोनों पार्टी मेजर थी दिमाग से भी उन ठीक थे सब चीजें थी सब चीजें थी बट इस कॉन्ट्रैक्ट का एक पॉइंट परफॉर्म नहीं हुआ फ्रॉड हुआ तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था ये खराब हो गया ये सब चीजें खराब हो गई ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा ठीक है एक और पॉइंट पढ़ते हैं क्या? ऑफ़ मीनिंग बेटा जब आप किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब भी आप किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करते हो बच्चे तो उस केस में सिंपल सा ये होता है कि आपको क्या करना है सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग रखनी है सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग मतलब क्या हुआ सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है कि यानी कब बेचोगे कौन सी तारीख को बेचोगे कहाँ आऊ मैं खरीदने कितने रुपए का खरीदा जाएगा टाइम समय यानी सारी चीजें जब डिसाइडेड होती है समझना सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग यानी वॉट वॉट यानी कि क्या बेच रहे हो वेयर कहा बेचोगे कहा मिलोगे कहां ये कंट्रैक्ट किया जाएगा हाउ कैसे किया जाएगा ठीक है वॉट वेर हाउ ये क्यों कर रहे हो ये सारी चीजें ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक एक एग्जाम्पल लेते हैं मैंने आपको कहा कल आपकी क्लास है कल आपकी क्लास है बस इतना सा स्टेटमेंट भी और कुछ भी नहीं बोला अब क्वेश्चन आता है मैम कहा क्लास होगी ऑनलाइन लोगे या ऑफलाइन लोगे अच्छा मैम टाइम कितने बजे आना है वो भी मुझे नहीं पता ठीक है कहाँ में ऑनलाइन है ऑफलाइन है ऑनलाइन है तो कैसे ऑफलाइन है तो भाई वो इंस्टीट्यूट का एड्रेस जहाँ पे हमें आना है टाइम क्या है हमारा कितने बजे क्लास होगी क्या टॉपिक होगा और क्या चीज कंसिडर होगी कि क्या टॉपिक होगा वो भी आपको नहीं पता तो मैम भाई टॉपिक क्या है मुझे तो वो भी नहीं पता ठीक है तो यहाँ पे सर्टनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है ठीक है टॉपिक नहीं पता आपको अगर मैंने आपको बोला है मैं पढ़ा दूंगी तो मैंने उसकी अगर आपको फीस नहीं बताई है टॉपिक नहीं बताया टाइम नहीं बताया कहां पे पढ़ाऊंगी ये नहीं बताया तो वो सब चीजें क्या है इसका मतलब ये है कि सर्टनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है इसका मतलब क्या है कि सर्टनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है ऑफ़ मीनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए और उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि वो जो आपने मुझे काम करने को बोला यानी जो मैंने ऑफर किया जिसपे आपने अपनी एक्सेप्टेंस दी वो चीज पॉसिबल टू परफॉर्म भी होनी चाहिए एग्जाम्पल देखिए क्या है ए अग्री करता है बी को कि वो क्या करेगा जादू जादू से कोई खजाना ढूंढ देगा भाई ये नॉट इनफोर्सिबल है जादू से आप खजाना कैसे ढूंढ सकते हो ये पॉसिबल नहीं है वो फिजिकली लीगली इन्फोर्सेबल होना जरूरी मैंने को बोला जाओ अगर तुम मुझसे प्यार करते हो जाओ चांद तारे तोड़ के लाओ ये ऐसे फिल्मी डायलॉग ये चांद तारे तोड़ना पॉसिबल नहीं है इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म जब कोई चीज पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकती नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड एंड इलीगल मतलब एक अग्रीमेंट किया आपने कार्टिल फॉर्म किया कार्टिल क्या होता है कार्टिल फॉर्म करना मतलब आपने क्या कर लिया दोनों ने आपस में कर लिया कि भाई अपन दोनों तो मार्केट में इस चीज को एक लाख रुपए में बेचेंगे अपन दोनों ही मार्केट में है ठीक है अपन दोनों ही मार्केट में है और अपन क्या करेंगे इसको दो लाख रुपए में बेचेंगे ठीक है तो क्या तो हुआ क्या हमने कार्टल साइन किया कि भाई मैंने बोला हम दोनों दो ही सपोज करो फॉर्म में मैन्युफैक्चरर्स हैं हम दोनों ही हैं पूरे के पूरे सपोज जयपुर में जो कि चांदी के बर्तन सपोज बेचते हैं। अब इन दोनों ने क्या करा मार्केट में प्राइजेस फिक्स कर ली कि भाई हम इतने में बेचेंगे अब यहाँ पे क्या हो गया कस्टमर की मजबूरी हो गई कि उसको उसी हाई प्राइस पे उस चीज को खरीदना है ठीक है क्या हुआ उसकी मजबूरी हो गई कि उसी हाई प्राइस को कस्टमर को अब खरीदना है तो इसी प्राइस पे खरीदना है तो ये लोग क्या कर रहे हैं काटल द्वारा क्या करते हैं मार्केट के अंदर जो भी कंपटीशन है यानी कि जो भी उनके कॉम्पिटिटर्स अगर सपोज होते तो ये उन पर रोक लगा देते हैं कि वो लोग मार्केट में घुस नहीं सकते मार्केट में एंटर नहीं हो सकते और उस प्राइस से कम में बेच नहीं सकते तो अगर कोई भी चीज आप ऐसी करते हो जो वाइड है इलीगल है सपोज हाथी का दांत चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं बहुत इजी सा हाथी का दांत जो है मार्केट में उसका बेचना उसका खरीदना उसका लेन देन क्या है सरकार द्वारा उस पर रोक लगी हुई है कि आप हाथी को मार के उसका दांत निकाल के मार्केट में नहीं बेचोगे अगर कोई इस तरीके का बिजनेस करता है तुमने मुझे ऑफर दिया कि यार मैं तुझे दस लाख रुपए दूंगी जो मुझे हाथी के दांत ला के दे मैं बोला ठीक है दस लाख दे मैं हाथी को मार के उसके दांत तुझे ला दूंगा अगर ये चीज पकड़ में आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड अगर मैंने आपको हाथी का दांत ला के दे दिया कॉन्ट्रैक्ट के तरी और आपने मुझे दस लाख रुपए पे नहीं किए तो क्या तो कुछ नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती आपका आपसे हाथी दांत भी आप लेके चले गए आपने पैसे भी नहीं दिए और मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो इलीगल चीज के लिए हुआ था तो इलीगल चीज के लिए बल्कि सरकार जो है कोर्ट पुलिस आपको ही पकड़ लेंगे सामने वाले को तो ढूंढेंगे उसको उससे अलग पनिशमेंट मिलेगी बट आपको भी पनिशमेंट मिलेगी आपके आपने उस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि सरकार द्वारा या बेसिकली इलीगल है हमारी कंट्री में लास्ट टॉपिक है इसका लीगल फॉर्मेलिटीज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़ यानी कि आपको जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जैसे सपोज करो सेल डीड हो गया दस्तावेज जो साइन होते हैं स्टैम्प होना चाहिए अग्रीमेंट होने चाहिए प्रॉपर वो सब चीजें कंपनी खोलने के लिए एम मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए एक पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए तो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आपको पूरी करनी पड़ेगी तभी जाके आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ठीक है तो हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है अब हम बेसिकली पढ़ते हैं कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फटाफट से पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है अग्रीमेंट के अंदर सिर्फ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है और जब उसी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को एनफोर्सिबल कर दिया जाता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट अगर सामने वाले ने मैंने आपको बोला चल पताशी खाने चले आपने कहा चल चलते हैं अगर आप नहीं आए तो कुछ नहीं मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकती मैं आपको लीगली बाउंड नहीं कर सकती बट अगर हमारे बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है मैंने आपको पैसे दिए और आपको बोला आप घर बेचोगे और आप घर बेचने से बाद में मना कर देते हो तो आपके ऊपर सरकार द्वारा लीगली क्या होता है ऑब्लिगेशन होता है कि आपको पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा ठीक है अग्रीमेंट में आप पार्टी बाउंड नहीं कर सकते बट यहाँ पे आप उनको बाउंड करते हो क्योंकि अगर कोई भी एक पार्टी वो पर्टिकुलर चीज जिस पे वो जिसपेमेंट किया है वो किया गया अगर पूरा नहीं करता तो उस कोर्ट केस हो सकता है यानी कोर्ट पुलिस सब इन्वॉल्व हो सकते हैं ये एक वेग टर्म है वेग कि इसमें बहुत सारा कुछ भी इंक्लूड हो जाता है चल जैसे सपोज करो मंत्री आए हमें वोट दो हम ये करेंगे हम वो करेंगे वो बोलते हैं वो कुछ करते नहीं है और अगर वो नहीं करते तो हम कुछ कर भी नहीं सकते बट कॉन्ट्रैक्ट एक लिमिटेड टर्म है लिमिटेड मतलब बहुत कम चीजें जो होती हैं वो लिखा पड़ी में आती है और जब कोई चीज लिखा पड़ी में आ जाती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनती है यानी अग्रीमेंट डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि समझना अग्रीमेंट था अग्रीमेंट था उसको अगर आपने इन्फोर्सिएबल करा लिया तो वो क्या बन गया कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए अग्रीमेंट का होना मैंडेटरी है मैंडेटरी यानी जरूरी है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अग्रीमेंट आएगा ही आएगा बट अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो इसकी कोई जरूरत जर, कोई जरूरी चीज नहीं है यानी कि अगर आपने मुझे अपना सपोज करो वो अपने एक एग्जाम्पल बड़ा था स्कूटर बेचने का ऑफर दिया स्कूटर बोला था कि आप उसको क्या करना चाहते हो सेल करना चाहते हो तीस हजार रुपये सेल हो गया था बात हुई थी कि ये कंसिडरेशन है मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि दस तारीख को मैं आऊंगी और ये स्कूटर को क्या कर लूंगी परचेज कर लो सिर्फ बात हुई थी हमारी सिर्फ क्या हुई थी बात अगर अब 10 तारीख को नहीं आते तो कुछ नहीं वो क्या था सिर्फ एक अग्रीमेंट था वादा था पूरा हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो नहीं बट अगर वो चीज प्रॉपरली साइन हो गई यानी वो चीज कॉन्ट्रैक्ट बनी तो वो लीगली इनफोर्स हो गई यानी कि ये कहता है अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बट कॉन्ट्रैक्ट करने की पहली शर्त है कि अग्रीमेंट हुआ होना चाहिए अग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है बट सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं है तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट बट सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं है ठीक है सो so, आपको आई गेस अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अब बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा थैंक यू